जी वही हर बैक इन अदर वी लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से इस लाल वाले बटन को दबा दो ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। गाइस आप लोगों का तो वेलकम हो चुका है इस चैनल के न्यू व्लॉग में। यार आज कुछ सीन ऐसा है कि यार ना आज हमारे दोस्त की है शादी। वो हमारा अच्छा दोस्त है, उसने कहा था कि यार तुम लोग ज़रूर भी आना, तो उसने हमें इनविटेशन किया है। तकरीबन 2 महीने से उसने मुझे हमें इनवाइट किया है कि यार तुम लोग आओगे। तो हमारे साथ ना मैं खुद जा रहा हूँ, जीशानदार जा रहा है, अमजद जा रहा है और शुआब खान भी जा रहा है। मैं तो तैयार हो गया हूँ, रेडी शेडी हो गया हूँ, बस ना बस मैं शुआब वालों अमजद वालों का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आएंगे तो हम सीधा जाएंगे उनकी शादी पर। यार उनका सिस्टम ना रात को है, इसलिए मैंने सोचा कि यार आज ब्लॉग क्यों ना बना लूँ। मैं आपको लिए आपके लिए आज ना खास करके ब्लॉग बना रहा हूँ रात के लिए। देखते हैं लाइटिंग शाइटिंग का थोड़ा मसला होगा, मगर फिर भी ब्लॉग तो बनाना है ना, क्या करें, हमारा ये पेशा है। तो उनका इवेंट कर रहा हूँ, वो आएंगे तो हम सीधा जाएंगे वहाँ पर। ना सिस्टम ये है कि निकाह भी है, राग 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 का भी है, राग भी होगा, दावत शावत भी है। तो अभी तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएंगे तो हम सीधा जाएंगे निवाड़े। यहाँ सुभद्रो के पास में ही एक शहर ही है, समझो एक बड़ा शहर हो गया अभी। सुभद्रो तो है मगर सुभद्रो के पास में भी अभी बहुत बड़े शहर हो गए हैं। तो अभी मैं शुआब अमजद ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर के पास, वो आएगा तो मिलते हैं अमजद के साथ। क्या कहता है, वो तैयार हुआ है या नहीं? तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। ये तो फाइनली क्या गाइज अमजद साहब आ चुका है यार। ये हमारा घर नहीं है, ये जीशान भाई ऋशान का भाई का घर है यार। अभी ना हम ऋशान के घर में आए हुए हैं, घुस कर आए हैं सीधा, ताला ताला तोड़ कर हम आए यहाँ। क्योंकि यार अभी बहुत लेट हो गए हम पीले से ही। अमजद जी को मैंने कहा था कि तुम आओ, इसने कहा मैं आ रहा हूँ। झूठे दिलासे में रख के मुझे पूरा 1 घंटा मैं इसके घर में अपने घर में वेट कर रहा हूँ कि आएगा आएगा, मगर नहीं। यार ये तो दूल्हा तो यही लग रहा है बेटा। तुम्हारी शादी है क्या? नहीं भाई, दोस्त की शादी है। हाँ दो वाला बाल रेडी हो? हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ वाह भाई वाह, ये क्या है, यार बना बड़ा लो। हरामी सिस्टम करके आए हो यार। मैं तो कैसा लग रहा हूँ यार, मुझे लग लो मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं तो यार खुद को अच्छा नहीं लग रहा हूँ ये तो। नहीं यार नहीं नहीं भाई, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसने जो ये कपड़ा पहने हैं ना, ये बिल्कुल मुझे पसंद आ रहे भाई 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 हैं। भाई 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 भाई। हमारी ये जो कलर है ना, ये हमारी यार ये क्या है, कौन है? बिल्कुल चॉइस है यार। अलग चुप कर बे कुत्ते, यार ये कौन है? तो यार अभी ना हम अमजद और मैं जीशान के घर आए हुए हैं, जीशान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं उसके घर में ताकि वो जल्दी तैयार हो जाए तो सीधा अब निकलें। और मगर यार खान साहब तो अभी उसका लापता है, उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो है भी कहाँ, चलेगा या नहीं चलेगा। वो यार दरअसल गया है रानीपुर, दरअसल कोई उसे पता नहीं कोई काम था कि वो रानीपुर चला गया है। अभी तक उसने मुझे एक कॉल किया कि मैं आऊँगा, आ रहा हूँ 20 मिनट। उसको 1 घंटा हो गया है, उसने कहा है कि मैं निकल आऊँ, 20 मिनट हो गए मगर अभी तक नहीं आए। यार पता नहीं आज क्या होगा, शादी पे अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है। अभी तक जीशान भी रेडी नहीं हुआ है, खास बंदा हमारा। तब तक के लिए हम उसका वेट कर रहे हैं और शुआब का वेट कर रहे हैं कि वो दोनों आएंगे तो हम सीधा जाएंगे दोस्त की शादी पर। 2000 years later खाना पहुंच चुका है, मज़ेदार मज़ेदार। और सबसे ज़्यादा जो फेवरेट चीज़ है ना मेरी ये, और दूसरी बात तो यार बहुत ज़्यादा रश था, इससे बहुत ज़्यादा रश था, हमें जगह मिल नहीं रही थी बैठने की, तो हमने क्या था ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, बहुत ही लेवल होता है। हाँ बेटा अबे यार गरम है, गरम खा के दिखाओ, गरम। ओ भाई कितना गरम है, बहुत ज़्यादा गरम है, मैं ट्राई करता हूँ यार। 98 अमजद भाई अभी खाने दो तो यार, खाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? यार तूने तो 2-3 प्लेट रिजेक्ट कर दिए, तुम भी खाओ, तुम्हें किसने रोका है? तू जो बात कर रहा है, चलो खाओ खाओ।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यार रात ना बहुत थक गए थे, क्योंकि रात ना हम 2 बजे आए थे शादी से, महफिल थी वहाँ पर। तो यार ना वहाँ पर बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हमें जो इनवाइट किया था वो किया था 6 बजे, मगर हम लेट गए थे यार, 7 बजे गए थे। तो पहले तो खाना खाया, पेट पुजारी की, खाना खाने के बाद ना हम 2-3 घंटे वहाँ पर बैठ रहे, ऐसे मजाक मस्ती करते रहे अपने दोस्तों के साथ। फिर ना पूरे 10 बजे निकाह हुआ है, फिर 11 बजे महफिल शुरू हुई है। तो बहुत टाइम लग गया, और पता है तुमको ये आजकल का जो माहौल चल रहा है, चोरी चकोरी भी बहुत हो रही है रात को। तो रात ना बहुत ही लेट हो गए थे, हमने सोचा यार रह लें, मगर यहाँ रह कर क्या करें, क्योंकि ये ना बहुत यहाँ पर वैसे भी बिजी हैं। तो हमने सोचा यार नहीं ऐसे नहीं, तो हम जाएंगे, आज ही जाएंगे। तो 2 बजे हम वहाँ से निकले हैं, क्योंकि महफिल वहाँ तक अभी तक वो चल ही रही थी। तो 2-3 कलाम हमने वो सुने, फिर हम सीधा आए हैं घर। 2 बजे हम यहाँ पर घर पहुँचे हैं, फिर हम सीधा ही लेट गए, यार बहुत नींद आ रही थी, थक भी बहुत गए थे। तो सुबह से उठाऊँ तो अमजद की कॉल आई कि यार कहाँ हो। मैंने सोचा मैं तो घर ही हूँ। उसने कहा यार, क्योंकि यहाँ जो उसने कहा कब्रिस्तान आओ, कब्रिस्तान चलते हैं आज, क्योंकि जो बरसात की वजह से ना कब्रों पर ज़्यादा खड्डे खुडे हो गए थे, उनकी भी मैयत थी वगैरह, उनकी अम्मी की भी कब्र थी। तो उसने कहा कि ठीक है तुम आओ, शोआब के पास में जा रहा हूँ, उसको उठाता हूँ, फिर हम सीधा जाएंगे कब्रिस्तान, वहाँ पर मिट्टी वगैरह जो है वो बंदोबस्त करना है, वो डालना है, सब कुछ काम वगैरह हम ही करना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो शोआब का काम है, हम चलेंगे, क्यों ना चलेंगे यार। तो ठीक है गाइस, चलते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पर मिलते हैं आपके साथ। अब तक अपना चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं कब्रिस्तान पर। तो यार मैं ना एक बात आपको बताना तो भूल ही गया, क्योंकि यार हमने ना पिछले ब्लॉग में आप लोगों को कहा था कि यार हम ना किसी और चैनल पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। तो फाइनली हमने ना वो चैनल तो बना लिया है, अब उस पर हम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी उस पर वर्क करेंगे, उस पर बहुत सारी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इस शोबे दर को हम आगे ले जाएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, हम अपनी मेहनत व जद्दोजहद के साथ उस पर पूरे का पूरा वक्त लगाएंगे, उस पर पूरी मेहनत के साथ हम उस पर वर्क करेंगे। हमने ना स्क्रिप्ट तो वगैरह लिख दिए, बस इंशाल्लाह जल्दी हम कोई टाइम देकर वो स्क्रिप्ट स्टोरी परफॉर्म करेंगे। बस मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ये भी। तो मैं वो चैनल की जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिले। यार हमें तुम लोग जो सब्सक्राइब करते हो ना, सच में हमें हौसला मिलता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अमजद के पास, फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है, उनसे मिलूँ कब्रिस्तान पर, देखें क्या होता है। A few moments later. भर भाई भर 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 शाबाश, 50 रुपए दूंगा तुमको। समझ रहे हो आप इंशाल्लाह। हाँ डन्ने जल्दी करो यार, मुझे प्यास लगी, 1 मिनट में पानी पी लूं। यार प्यास लगी है बहुत ज्यादा लेवल की। ऐसा नहीं, अरे हाँ चलाओ, एंगल देखिए, गजब बेइज्जती है। कुत्ते का बहुत प्यास लगती है पानी की। सुबह से 10 मरतबा ये पी चुका है, पूरी की पूरी 3 बोतल खाली कर चुका है, ये नरका भी खाली कर देगा आज। अभी जाके सुकून मिला थोड़ा बहुत में। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, काम भी करना। उठाओ जल्दी। ये मैं कैसे उठाऊं? चलो वो हम ज्यादा अकेला लगा हुआ है वहां पर, जल्दी करो। वाह क्या सीन है। चॉकलेट बना हुआ है, चॉकलेट सिर्फ। अगर किसी को चॉकलेट खाना है तो यहाँ आप ऑनलाइन ऑर्डर बनता भी ऐसा है, तुझे पता है ऐसा ही बनता है चॉकलेट। वैसे भी ये डेली मेरे को ऐसे बनता है। आओ आओ आओ, ये कहाँ को एक बार ये तुमने देखा कि नहीं, ये मकोड़ा फूट गया, इसको निकाल दे। मैं ऐसे करते हैं और आराम। अब ये बड़े वाला मकोड़ा तो निकाल। चल भाई इधर साइड पे इधर।
बड़ा हरामी हो बेटा। ये देख रहे हो ना पीछे सारा खराब है। आराम से भाई आराम से काम करने दो, काम करने दो, वरना मजदूर नहीं लेगा सेठ हमें। नहीं लगाया मैंने यार, इसने लगाया। चलो छोड़ो, मैं निकल रहा हूँ। निकलो, ये तुम्हारे बच्चों का काम नहीं है। पानी 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 डाल। शिट कम है, दे दे दे, इधर से भाई, इधर से, इधर। ये देखो भाई, जिस जिस को भी ये काम करवाना है। पानी क्या, पानी क्या, रोक लो यार, रोक लो। जिस जिस को भी ये काम करवाए ना, सिर्फ कमेंट करो, हम आ जाएंगे। कोटरे मिल साथ में ले जाएंगे। हमारे पास अपनी कोटरे भेलचा है, थाली भी है, भेलचा भी है, एक शिलर भी है। अब क्या करूं मैं, कैसे वीडियो को पास बताऊं? मैं जाके कैमरा बंद करता हूं। तो गाइस मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, तुम फंस जाओगे, मैं नहीं। अब इसके मैं मजे करने वाला हूं, देखना। फाइनली गाइस, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, और आज के दिन हमने बहुत सारे सवाब भी हासिल किए। मौला सवाब भी देगा, अल्लाह का करम है। आज ना हम सारा दिन यहाँ ना कब्रिस्तान पर ही गुजरा है दिन, सारा का सारा दिन। मगर मैं एक बात कहूँ ना अमजद, सच्ची में मुझे ना आज इतना सुकून मिल रहा, सुकून मिला है अल्लाह की कसम, मुझे यहाँ पर इतना सुकून यार। हम जो है ना, क्या कहें, फजूल लोग घूम रहे थे, मैंने बोला इसको यार चलो कब्रिस्तान में, मेरी माँ की तुर्बत है उसको सेट करते हैं। फिर सारा दिन हम यहाँ पे सुकून भी, यकीन मानो इतना सुकून मिल रहा है यहाँ, दिल दुनिया का टेंशन नहीं कह रहा कि यार इस जगह पे बाहर निकलूं। सच्ची सही मुझे ना बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ। आला महल होते हैं, आला महल में जो लोग रहते हैं ना, कसम से वहाँ पर ना सुकून नहीं है, जितना सुकून यहाँ इस ज़मीन पर ना, इस जगह पर है ना, वहाँ पर सुकून है ही नहीं। मुझे आज तो यहाँ पर इतना आशा लगा है यहाँ पर, मगर क्या करें, दुनियावी लोग हैं हम, बदबख्त कहूँ मैं। तो अल्लाह खैर करेगा। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पर एंड करते हैं। हम ना रात भी वहाँ पर शादी पर थे, बहुत थक गए थे, वहाँ पर एंजॉय भी किया। तो यहाँ पर भी सुबह समझ निकाल के गया, तो शुआब भी था, मगर शुआब भी चला गया है अपने घर। उसको ना एक उसकी यार एक बीमारी, उसको भूख बहुत जल्दी लगती है, पता नहीं यार वो कैसे इतना खाता है यार। हमें तो इतनी रात खाया ना जो दावत पर, फिर खाया ही नहीं है वो ना, पता नहीं उसका मादा आला कौन सा। तो यार वो ना वहाँ चला गया, तो मादे आला है। सच में ना हम यहाँ पर कब्र तो मजाक कर रहे हैं, मलाक ना। चलो चलो भाई, तो फिर कभी मिलेंगे किसी ना और व्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। यार ये ना लाइक और कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब तो ठिप नहीं करते, ऐसा क्यों करते हो यार? तुम्हें भी यहाँ पर आना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? फिर कभी मिलेंगे किसी ना किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।